विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिव्यांग शख्स से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा और दिव्यांग ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। दरअसल ये दिव्यांग एंटरप्रेन्योर रन करते हैं, पैसा अच्छा। चलते हैं। और पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई हम काम कंप्लीट किए हैं, अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ क्या क्या योजना का लाभ मिला आपको? यहाँ सर हमको पेंशन भी मिला है, बाकी दुकान संचालन के लिए अभी आवेदन भी किए हैं, बाकी उपकरण के संबंधित जो भी जरूरतें पड़ती हमको। क्या दुकान चलाओ सर? CSC का चलाते हैं अपना, उसी में स्टेशनरी डाल रहे हैं। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं CSC सेंटर पे? सर काउंट तो नहीं करते, फिर भी आ जाते हैं 10-12 लोग दिन भर में आ जाते हैं आराम से, कि हमारी जीविकोपार्जन हो जाए। तो महीने भर में कितनी कमाई हो जाती है? अच्छा मत बताइए, कोई इनकम टैक्स वाला नहीं आएगा भाई, कोई ऐसे करते हैं क्या? जो भी होता है अपने, आपको लगता होगा इनकम टैक्स भेजेगा बहुत ही। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इतना कमाते होंगे। आपके चेहरे की खुशी बता रही है भाई। नहीं सर, आपसे मिलने की खुशी है सर। अच्छा जी सर, आप क्या खेलते हैं? दौड़ रन करते हैं। तो दिव्यांगों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहाँ पर बातचीत जो उन्होंने की, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में भी उनसे वो बातचीत करते नजर आए, उनसे एक आत्मीयता का संबंध यहाँ पर स्थापित कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और अब बड़ी खबर मैहर से, जहां गन्ना व्यापारी सकुशल बरामद कर लिया गया, पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें कि भैंसासुर गांव से अगवा व्यापारी बरामद कर लिया गया, शनिवार रात को इसका अपहरण किया गया था। पुलिस का दबाव देख व्यापारी को अपहरणकर्ताओं ने रिहा कर दिया। भैंसासुर गांव का यह मामला, जहां शनिवार की रात अपहरण किया गया था एक व्यापारी का, गन्ना व्यापारी, जिसके सकुशल बरामदगी हो चुकी है। पुलिस ने मैहर से गन्ना व्यापारी की बरामदगी की है। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।